हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं हूँ रोहित और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो आज मैं बात करूंगा अपनी कॉलेज के बारे में। जो सबको एक लोगों ने कमेंट किया था कि कब तुम अपने कॉलेज की रिव्यू लाओगे, तो मैं अपनी कॉलेज की रिव्यू ला रहा हूँ जिससे मैंने डिप्लोमा कम्प्लीट किया 2016 से 2019 के बीच। जीपी खुटरी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुटरी, जो कि जैना मोड़ बोकारो में है। ठीक है, अभी मैं जिस कॉलेज में बीटेक कर रहा हूँ, यूसेट वीवीयू हजारीबाग, उसकी भी रिव्यू आएगी। जब बीटेक की लिस्ट चल रही है उसमें भी जब उसका नंबर आएगा तो वो आ जाएगी। मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ यार, कि मैं जो भी कॉलेज रिव्यू देता हूँ वो कॉलेज रिव्यू की जो भी चीजों को मैं बताता हूँ वो मैं खुद अपने से मनगढ़ंत कहानियों के तौर पर नहीं बताता हूँ, या फिर मैं कोई तोड़ मड़ोड़ के कुछ नई चीजों का ऐड करके नहीं बताता हूँ। जो भी चीजें मैं बताता हूँ वो उनकी, इस कॉलेज की अपनी अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उनकी वेबसाइट में दी हुई जानकारियों के आधार पर मैं ये वीडियो बना के आपको बताता हूँ। जो चीजें उन्होंने अपनी वेबसाइट में लिखी हैं उस चीजों को मैं सिर्फ यहाँ पे आपके सामने बोल के दिखाता हूँ कि आपको समझने में सहूलियत हो कि किस कॉलेज में क्या है। अब अगर आप ये बोलोगे, जैसे मैं किसी भी चीजों के बारे में बताता हूँ, जैसे लैब्स अच्छी हैं, वहाँ पे लैब्स की फैसिलिटीज हैं, लैब्स में मशीन है। अब आप ये बोलोगे कमेंट में, मुझे कल रात में बहुत ही जबरदस्त कमेंट, गंदा गंदा आने लगा, बहुत ही सारे, मैं नाम नहीं लूंगा या फिर मैं कुछ नहीं बोलने जा रहा, क्योंकि यार सबकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि यार मैंने कॉलेज रिव्यू में बताया कि वहाँ लैब्स है और आप बोलोगे यहाँ मशीन खराब पड़ी है, तो यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये नहीं बनती कि मैं आपको ये बता दूं कि लैब्स खराब पड़ी हुई है वहाँ मशीन। अगर है लैथ मशीन है किसी भी कॉलेज में, वो लैथ मशीन खराब पड़ी हुई है कुछ महीनों से, यार तो ये तो कॉलेज प्रबंधन या उनकी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है ना कि वो मशीन को ठीक कराए, या स्टूडेंट कहे कि भाई ये मशीन आप ठीक कराओ अपने एचओडी को बोल के। अगर आप मुझे कमेंट करते हो ये बोलते हो कि यहाँ मशीन खराब है या मेस में खाना अच्छा नहीं मिलता, तो इसका मेरे से क्या जिम्मेवारी है यार। मैं तो आपको कॉलेज रिव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उन कॉलेजेस में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। आपको वहाँ एडमिशन लेना है, किस कॉलेज में कैसा एडमिशन प्रोसेस है, किस एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू जाना है, ये सब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, या इस कॉलेज में कैसा प्लेसमेंट है ये सब मैं बता रहा हूँ। अगर आप बोलोगे यहाँ पे क्लासरूम की खिड़कियां टूटी हुई हैं, यहाँ से पंखा चोरी हो गया, यहाँ से प्रोजेक्टर चोरी हो गया, तो इसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, इसकी जिम्मेवारी वो मैनेजमेंट की है। मैं वही बता रहा हूँ जो आपके कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट में दी हुई है। आप वेबसाइट को देखो और वहां से हमारे वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगी कि हमने क्या झूठ बोला क्या सच बोला। आप लोग ये उम्मीद कर रहे हो कि हम लोग मेस का खाना तक बता दें कि मेस का खाना खराब मिलता है, वहां से ये चोरी हो गया, तो ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है, ये मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है जो वहां पे कॉलेज को चलाते हैं। तो आप लोग अगर इस तरह का कमेंट दोगे तो फिर हम लोग को भी कुछ नया एक्शन लेना होगा। हम वीडियोज नहीं रोकने वाले, या फिर कोई भी वीडियो को हम लोग डाउन नहीं करने वाले। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कोई भी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो मैं बिल्कुल मेहनत से बना रहा हूँ। कोई भी वीडियो जो भी डालता हूँ मैं, उसमें पूरी मेरी मेहनत रहती है, पूरी मेरी टीम की मेहनत रहती है, जिसको मैं कभी भी डिलीट नहीं करने जा रहा हूँ यूट्यूब से। ठीक है, कोई भी कॉलेज की मैं रिव्यू दे रहा हूँ वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में लिखी है, और कोई भी मैं कॉलेज की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। मैं जो सच हूँ, सच है, वो मैं सामने लाता हूँ। ठीक है, तो चीजों को आप समझें और तब आगे बढ़ें। ठीक है, नहीं तो फिर हमें कोई दूसरा एक्शन लेना पड़ेगा। तो चलिए यार, वो सब बातों को खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपना इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको जीबी खुटरी, जिस कॉलेज से मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया, उसके बारे में बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि झारखंड में सिर्फ ऐसे 4 कॉलेजेस हैं जहां पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ाई होती है, जिसमें से एक कॉलेज जो मेरा था, जिसमें मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया, वो एकमात्र सरकारी कॉलेज है पूरे झारखंड में डिप्लोमा में जहां पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ाई होती है। ठीक है, एक है के पॉलिटेक्निक, एक है अलकबी और एक है यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक जो कि बीआईटी मेसरा का है। इन तीनों पे भी मैंने वीडियो निकाला है, आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके पॉलिटेक्निक कॉलेज रिव्यूज में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुटरी की क्या बात है यार, कि ये एकमात्र ऐसा सरकारी कॉलेज है जहां पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ाई होती है, और यही मेरी ब्रांच थी। ठीक है, जिससे मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया। अभी मेरी ब्रांच मैकेनिकल है, जिससे मैं, जहां से मैं बीटेक कर रहा हूं। ठीक है, फैक्ट्स जो हम हमेशा बताते हैं यही है कि भाई कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था जुलाई 1997 में। ठीक है, कैंपस साइज करीबन 20 एकड़ का, कैंपस साइज काफी सही है यार। हम मैंने अपने कॉलेज का देखा है, वहां पे हॉस्टल्स हैं, जूनियर्स के लिए अलग हॉस्टल्स है, ठीक है, स्टाफ क्वार्टर्स है, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है, ठीक है, मेस है, फैसिलिटी है, मतलब नॉर्मली आपको कॉलेज में जो चाहिए वो आपको वहां मिल जाएंगी। लैब्स हैं, क्लासरूम्स हैं। जब हमने पहले एडमिशन लिया था 2016 में, या तो कॉलेज बहुत ही बुरा स्थिति में था। लेकिन समय के बाद वहां रिनोवेशन शुरू हुआ, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुई, तो चीजें पूरी बदल गई। अब कॉलेज में वाईफाई है, हर जगह आपको वाईफाई मिलेगा। हम लोगों ये सब सुधरते फाइनल ईयर हमारा आ गया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वाईफाई का खुल के मजा लिया यार। वाईफाई आपको हर जगह मिल जाएगी, मजा
हर जगह आएगा। फैसिलिटीज आपको नॉर्मली जो आपको चाहिए, जैसे क्लासरूम्स में ठीक ठाक फैसिलिटी चाहिए, प्रोजेक्टर्स आपको चाहिए, अगर आपको डिजिटल क्लासरूम चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर फैसिलिटी चाहिए, सब कुछ ये तो नॉर्मल कॉलेजेस में मिलती हैं। अब आप बोलोगे कि अगर इस कॉलेज में ये मशीन खराब पड़ी है तो ये कॉलेज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं हुई, कॉलेज में मशीन्स हैं, फैसिलिटीज हैं, तो फिर यही हमारा कॉलेज रिव्यू में काम है। सीनियर्स जूनियर्स के लिए अलग अलग हॉस्टल्स मौजूद हैं जीपी कुटर में, स्टाफ क्वार्टर्स हैं, ब्रांचेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच थी। एनवायरमेंट फ्रेंडली एरिया है, बस ये उसमें खराबी है कि कोई भी अगर टेक्निकल कॉलेज जो बनती है ज्यादातर वो सब मेन सिटी से दूर रहती है, तो वो जो ये कॉलेज बनी है ये बोकारो स्टील सिटी जो रेलवे स्टेशन उससे 7 किलोमीटर की दूरी में है, ठीक है। मेन सिटी जो बोकारो की वो करीबन 20 से 22 किलोमीटर दूर है, मतलब ये समझ लो कि एक ऐसा जगह है जहां पे 1 किलोमीटर इधर जाओगे तो भी जंगल, 1.5 किलोमीटर इधर जाओगे तो भी जंगल, मतलब अगर आपको मार्केट जाना है, जैना मोड़ मार्केट जाना है तो आपको 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना होगा। आपको हॉस्टल्स में नहीं रहने हैं तो आपको रूम्स मिल जाएंगी रेंट में, आप रह सकते हो जैना मोड़ में या आसपास के इलाकों में, तो मतलब सही जगह है, मतलब कोई परेशानी ज्यादा नहीं है। क्लासरूम की इमेज है यार, फैसिलिटीज हैं, लैब्स वर्कशॉप ऑडिटोरियम बन चुकी है यार, मैं खुद जानता हूँ, लाइब्रेरी भी ठीक ठाक है, डिजिटल क्लासरूम्स हैं, मेस फैसिलिटी है, हॉस्टल्स आपको मैंने बता दिया, सेमिनार हॉल्स भी हैं, सेपरेट डीजी सेट भी है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम की सीन नहीं है। फिर ये सब कुछ चीजें जो इमेजेस जो मैं बताता हूँ, और एडमिशन प्रोसीजर का मैं पहले ही बता चुका हूँ यार, जो हर डिप्लोमा कॉलेजेस की सेम है, चाहे गवर्नमेंट की कॉलेजेस हों, ठीक है, तो सब प्रोसीजर वही सेम है। मैं प्रोसीजर फिर से आपको बता देता हूँ, 10th पास तो मिनिमम होना चाहिए अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, 10th पास आपका होगा ही, 10th पास होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है कि आप 90% लाए हो या 80% लाए हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप अगर 35% लाए हो, पास हो सब सब्जेक्ट्स में, तो आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए झारखंड में। पॉलिटेक्निक की एग्जाम आपको देनी होगी, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो, अगर आपको सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री आना है डिप्लोमा में, तो आपको डिप्लोमा लेटरल एंट्री का एग्जाम देना होगा, जिसमें 12th पास या ITI पास या PSC पास आपको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। 12th वाले सीन में PCM होना चाहिए, कॉमर्स वाले इसमें नहीं आ सकेंगे क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन है, तो कॉमर्स वाले नहीं आ सकते 12th पास, लेकिन अगर आपको आना है तो आपको 10th बेसिस पे आना होगा फर्स्ट ईयर से, ठीक है। पॉलिटेक्निक की फॉर्म अब बंद हो चुकी है, 20 अगस्त तक लास्ट डेट थी, अगले साल अगर आपको आना है तो आप अगले साल एलिजिबल होगे, तब अगले साल आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। आपको फॉर्म में समझना होगा कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से फर्स्ट ईयर में आते हैं और डिप्लोमा एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लैटरल एंट्री से डिप्लोमा के सेकंड ईयर में आते हैं, ठीक है। तो ये है एडमिशन प्रोसीजर, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर आपको मैं आगे बता देता हूँ कि फीस का क्या सीन है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर आपको पता ही है, मैं हर डिप्लोमा कॉलेजेस में एक ही फीस स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के, 2800 रुपए जनरल के लगेंगे, 800 रुपए SC ST के लगेंगे गर्ल्स के लिए, और PWD कैंडिडेट्स के लिए 205 रुपए लगेंगे। स्कॉलरशिप आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस जो झारखंड में आप पढ़ रहे हो काउंसलिंग के थ्रू आते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, काउंसलिंग के थ्रू आते हो तब JCCV के थ्रू। स्कॉलरशिप में आपको 8000 रुपए मिल जाएंगी SC ST और OBC कैंडिडेट को, ठीक है। आपको जो जनरल से आते हैं उनको नहीं मिलेगा, TFW वालों को भी स्कॉलरशिप मिलता है, 8000 से 7500 के करीबन स्कॉलरशिप आपको 3 साल में आएगी। और झारखंड का एक रूल ये भी है कि अगर आप कॉलेज टॉपर होते हो, कॉलेज टॉपर अगर आप बनते हो, अपने कॉलेज में टॉप करते हो फाइनल ईयर में, तो आपको 8000 रुपये एक तरह से आप समझ सकते हो गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। तो मैंने भी कॉलेज टॉप किया, भले अभी तक हमारी पैसे नहीं आए, आ ही जाएगी, सरकार हर साल दे रही है, हमें भी देगी, क्योंकि मैंने भी कॉलेज टॉप किया था फाइनल ईयर में, तो मुझे वो प्राइस आएगी, ठीक है। तो ये थी फीस स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप, और कोई चीजें इसमें बची नहीं है, बची है तो प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इस कॉलेज में पहले आती थी, कुछ साल पहले कुछ आई है, कोई बड़ी कंपनीज कभी नहीं आई है, L&T आई है कि नहीं आई है मुझे तो याद ही नहीं है, लेकिन कॉलेज के वेबसाइट में मेंशन है, तो मैंने वो पिक्चर उठा के लाके यहाँ पे डाल दिया। मैं बताता हूँ कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो वेबसाइट के आधार पर बता रहा हूँ, तो कोई भी कॉलेज की आपको जाननी है, अगर हम आपको लगता है कि अगर हम कोई गलत कॉलेज रिव्यू दे रहे हैं तो आप उनकी वेबसाइट में जाके चेक कर लो, फिर आके हमारी वीडियो देखना, तब आपको असलियत पता चल जाएगी कि हम लोग कुछ गलत नहीं बताते हैं। तो कमेंट करने से पहले आप सोच लो कि कैसा बात है, अगर आप गलत कमेंट करोगे तो ये कोई प्रोफेशनल बात नहीं हो गई, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट एकदम ना के बराबर है, ठीक है, एकदम डायरेक्टली कॉलेज में प्लेसमेंट्स नहीं आएंगी, ठीक है, कॉलेज में प्लेसमेंट्स नहीं आएंगी। इस कॉलेज के बगल में कुछ किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक बालीडी भी है, जिसपे मैंने कॉलेज रिव्यू बनाया, वो भी आप देख सकते हो, वो लड़कियों का कॉलेज है, मतलब गर्ल्स ही सिर्फ वहां एडमिशन ले सकती है, और इस कॉलेज जो मिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे लड़कियां लड़के दोनों एडमिशन ले सकते हैं, कोएड पढ़ाई हो सकती है, ठीक है। और मैं बताता हूँ कि यहाँ प्लेसमेंट का सीन यही है कि भाई यहाँ प्लेसमेंट बहुत सालों से नहीं आ रही है यहाँ पे कॉलेज में, इस साल आई है फरवरी में, एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन अच्छा बात है आई है कम से कम, एक कंपनी जिसका मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा, लेकिन वो नाम मतलब वो कंपनी आ चुकी है, फरवरी में प्लेसमेंट ड्राइव हुआ है इस कॉलेज में, ठीक है, अपने कॉलेज में।
और ये सब कंपनीज बहुत ही पहले आई होंगी या फिर नहीं आई हैं। तो अगर आप प्लेसमेंट की उम्मीद से इस कॉलेज में लोगे तो फिर भाई मैं यही बोलूंगा कि आप एडमिशन नहीं लेना। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आप इस कॉलेज में मत लेना, प्लेसमेंट आपको नहीं मिलने जा रही। पढ़ाई अच्छी होगी, लैब फैसिलिटीज हैं, कंप्यूटर फैसिलिटीज हैं, सब कुछ आपको मिलेगा, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, लेकिन प्लेसमेंट के हिसाब से पढ़ने आओगे तो प्लेसमेंट नहीं मिलने जा रहा आपको इसको इस कॉलेज से। ठीक है, आपको हो सकता है जॉब फेयर या कैंपस ड्राइव में किसी और कॉलेज में भेज दिया जाए यहाँ से लेटर लेके, लेकिन आपको इस कॉलेज में ज्यादातर कंपनियां आना पसंद नहीं करती है। क्योंकि यार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कंपनीज उसी कॉलेज में आना पसंद करती है जिस कॉलेज के लोग एक्टिव होते हैं। मैनेजमेंट अगर एक्टिव होगी तभी उस कॉलेज में प्लेसमेंट्स लगेंगी। एचओडीज अगर एक्टिव होंगे अपने अपने ब्रांच के कि हाँ भाई प्लेसमेंट आने चाहिए, उसके लिए कंपनीज को बुलाना पड़ता है। अगर कंपनीज को बुलाएंगे नहीं तो कंपनीज अपने आप उठ के नहीं आती है। तो अगर मैं सीधा सीधा यही बोलूंगा कि मैनेजमेंट की गलती है, हमारे भी कॉलेज में मैनेजमेंट की गलती है और आज भी वही गलती निभाई जा रही है कि ताकि वो अच्छे कंपनीज आने से रुक जाएं। कंपनीज को बुलाने के लिए मेहनत करना पड़ता है जो कि कॉलेज नहीं मेहनत करती है। और खास करके मैं अपनी कॉलेज का भी नाम डायरेक्टली बोल देता हूं क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है किसी से। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट ना के बराबर आती है। इस बार आई है फरवरी में, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूं कि और अच्छी अच्छी कंपनियां आए। तो ये थी यार मैं प्लेसमेंट पर बात कर चुका हूं, मैंने क्लियरली बता दिया कि इस अपने कॉलेज में क्या सीन है। तो होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कॉलेज रिव्यू किस हिसाब से देते हैं, वेबसाइट के आधार पे देते हैं। तो वेबसाइट आप जाके देखो, अगर आपको वेबसाइट से कुछ अलग मिले तो आप हमें कुछ बोलना, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि मशीन्स खराब है, ये खराब है, उससे हमें भी खराब लगती है और हमें भी लगता है कि आप लोग ध्यान से नहीं समझ रहे हो बातों को। और ये सोचोगे कि हम इस बात से डर के वीडियोस को हटा देंगे या फिर डिलीट कर देंगे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं और ना कभी पॉसिबल होगा और हम ना रुकने वाले हैं। हम लोग इसी तरह झारखंड के और बिहार के कॉलेजेस के बारे में बताते रहेंगे, कॉलेज रिव्यू देते रहेंगे, क्योंकि 10 में से एक स्टूडेंट ऐसे होते ही हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने के लिए रहते हैं। तो हम लोग उनके वजह से 9 स्टूडेंट्स का तो करियर नहीं खराब कर सकते। तो हम आपके लिए हमेशा कॉलेज रिव्यू आपके सामने लाते रहेंगे जिससे आपको आसानी हो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने में। तो यार मैं इतना ही बोल के इस वीडियो को एंड करता हूँ। होप यू अंडरस्टैंड, लाइक इट, लाइक दिस वीडियो और यू डोंट लाइक दिस वीडियो, इट्स ऑल योर कॉल। ओके, आपकी ओपिनियन, आप लाइक करो डिसलाइक करो, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।